पॉलीग्राफ क्यू एंड ए में, जहां सवाल होते हैं आपके और जवाब होते हैं बाबा 4.0 के। और दोस्तों आज मैं आप लोगों का साथ देने आई हूं, मेरा नाम है गरिमा। तो चलिए शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। पहला सवाल, बसंत राणे जी लिखते हैं कि शाहरुख खान की ऐसी कौन सी फिल्म है जिसने सबसे ज्यादा कमाई की है? जानती हो गरिमा? क्या बाबा? प्यार सभी से करो पर विश्वास कुछ पर। बाबा लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि दीपिका पादुकोण ने शाहरुख खान ने यही तो किया था। विश्वास और प्यार, इसी वजह से चेन्नई एक्सप्रेस शाहरुख खान के जीवन की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। ओ अच्छा बाबा, तो समझती हो यहाँ पे क्या था? क्या था बाबा? विश्वास और प्यार। अच्छा बाबा। अच्छा तो बाबा अगला सवाल, गार्गी उपाध्याय जी ने लिखा है कि इंडिया में कौन सी फिल्म ने सबसे ज्यादा कमाई की है? मतलब बाबा? मतलब ये कि हमारे बच्चे ने ही तो किया है फिल्म दंगल में। कुश्ती से ही प्यार किया है और कुश्ती ही जीवन है, इसी वजह से तो ये फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और आमिर के जीवन की भी। अच्छा बाबा तो अगला सवाल, मोनू रॉय जी लिखते हैं कि नाना पाटेकर की आने वाली फिल्म कौन सी है? तड़का तो लग ही गया बाबा। तड़का मतलब? मतलब तुम ही तो तड़का लगाती हो, दाल में तड़का, रायते में तड़का, यहाँ तड़का, वहां तड़का, हर जगह तड़का ही तड़का। बाबा आज क्या हो गया आपको, तड़का मतलब? अरे कुछ नहीं हुआ, ये नाना पाटेकर आगे तड़का लगाएगा पता है? अभी भी नहीं समझी मैं बाबा। अरे तुम्हारी दाल में नाना पाटेकर तड़का नहीं लगाएगा, फिल्म का नाम तड़का है। ओ अच्छा। अच्छा से हमें कुछ चीज याद आई। क्या बाबा? जानती हो एक लड़की की दोस्ती कहाँ खत्म होती है? नहीं बाबा मुझे तो कैसे पता होगा। जहां से मोहब्बत शुरू होती है। अच्छा बाबा। वैसे चलो ये तो सब चलता रहेगा, आगे का प्रश्न बताओ क्या है। हाँ, अगला प्रश्न, प्रशांत मोहंता जी ने लिखा है कि सनी देओल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म कौन सी है? जो कर्म करेगा महान बनेगा, जानती हो ये बात? बाबा समझी नहीं मैं। जो कर्म करेगा वही महान बनेगा, और जानती हो महान बनने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? क्या बाबा? एक सपना देखना पड़ता है, और सपने से पहले आती है जिम्मेदारी। अच्छा बाबा। और जो जिम्मेदारी के साथ सपना निभाता है वही ये सब कर पाता है, जैसा कि सन्नी देओल ने किया। अच्छा बाबा। फिल्म गदर, जानते हो फिल्म समीक्षकों का कहना है कि अगर ये फिल्म आज की डेट में रिलीज हुई होती तो ये 5,000 करोड़ का बिजनेस करती। गदर ये से नहीं, आगे का प्रश्न पेश करो। हाँ हाँ बाबा। अच्छा अगला प्रश्न, ईश्वरी संसी जी ने लिखा है कि यश की आने वाली फिल्म कौन सी है? बाबा 4.0 सब जानते हैं। जानती हो कि जिम्मेदारी के साथ अगर सपना देखा जाए तो वो पूर्ण होता है, एक मंजिल पर जाकर, एक मुकाम पर जाकर जो आपने देखा हो। तो यश ने वही चीज देखी और जिम्मेदारी के साथ सपना देखा और उससे बड़ा बना, इसी वजह से KGF Chapter 1 सुपर डुपर हिट। और मेरे ख्याल से सवाल आपका यही है कि आने वाली फिल्म कौन सी है? हाँ हाँ बाबा, दर्शकों का सवाल है कि यश की आने वाली फिल्म कौन सी है। वैसे जानती हो सवाल भले ही दर्शकों का है लेकिन आपके मुख से सुनकर यह सवाल और भी मीठा हो गया है। ओ शुक्रिया बाबा। वैसे आने वाली फिल्म गुगली 2, शुभनगरम और चैप्टर 2 KGF। ठीक है बाबा। मैं आपसे अगला सवाल पूछती हूँ। असिस्ता भानुप्रिया जी का सवाल है, उन्होंने लिखा है कि चिरंजीवी की आने वाली फिल्म कौन सी है?
सपना देखा था, बाबा ने आशीर्वाद दिया था और कहा था कि आशीर्वाद के साथ पहले सपना देखो, आशीर्वाद तभी काम आएगा हमारा। और उन्होंने सपना देखा सदी के महानायक के साथ काम करने का, चिरंजीवी और अल्लू अर्जुन। तभी देखो आशीर्वाद भी है, लेकिन उससे पहले उनकी मेहनत है और उनका सपना है कि सदी के महानायक के साथ काम करने का, और वो कर रहे हैं। और आने वाली फिल्म है चिरंजीवी की, सही राम नरसिम्हा रेड्डी। अच्छा बाबा, अच्छा नहीं, अच्छा ठीक तो है बाबा, जब तक तुम्हारे साथ है सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक है। ओके बाबा, शुक्रिया। हाँ? तो अगला सवाल शावेज मलिक जी का है, वो पूछ रहे हैं कि कूली नंबर वन का रीमेक कब बनेगा। अगर मैं सृष्टि में किसी से डरता हूँ तो वो एक औरत है। बाबा ऐसा कौन है जिससे आप डरते हो? वो बाबा की माँ है। ओह बाबा, सबसे पहले तो आपकी माता जी को मेरा प्रणाम। बिल्कुल बिल्कुल, जानती हो कि कुली में अमिताभ बच्चन ने क्या किया था? क्या किया था बाबा? वो रिश्तों के लिए जीता था, रिश्तों से प्रेम करता था, रिश्तों के लिए मरता था, रिश्ते ही उसके लिए सर्वोपरि थे। तो बाबा मतलब दर्शक भी वापस से रिश्तों की बारीकी को परखना चाहते हैं? दर्शकों के साथ हम तुमसे भी यही कहना चाहेंगे कि रिश्तों को समझो, रिश्तों को प्रेम से समझो, रिश्तों के प्रेम को समझो। ठीक है बाबा। और इसी के साथ आगे का प्रश्न पेश करो। तो बाबा अगला सवाल शोएब अंसारी जी ने लिखा है कि आयुष्मान खुराना की आने वाली फिल्में कौन सी हैं? आयुष्मान आयुष्मान आयुष्मान, बोले बोले बोले, इस बच्चे के सितारे और चांद आजकल पूर्ण रूप से पूर्ण चल रहे हैं। इसकी पिछली फिल्में काफी अच्छी गई हैं और जीवन में, लेकिन इसने मेहनत बहुत की है। और आने वाली फिल्म है आगरा का डाबरा। अच्छा बाबा, ये आगरा का डाबरा से मुझे ख्याल आया कि इससे मिलती जुलती एक फिल्म आई थी ना शायद, मतलब आगरा का डाबरा। हाँ हाँ बाबा, आगरा का डाबरा भी तो एक फिल्म आई थी ना। हमें पता है तुम्हारा प्रश्न यही होगा, तुमने शायद अपने बचपन में देखी होगी। हाँ बाबा। हाँ तो तुम ऐसे बोल रही हो जैसे कि तुम्हारे मुंह पे झुर्री आ गई हो, तुम बुढ़ी हो गई हो। नहीं बाबा, मुझे लगा कि कहीं ये आगरा का डाबरा का सीक्वल या रीमेक तो नहीं बनने जा रहा है। वो बच्चों के लिए फिल्म थी और ये एक अलग फिल्म है, वो आगरा का डाबरा थी और ये आगरा का डाबरा है। अच्छा बाबा ठीक है। तो फिर से ठीक है, ठीक तो बाबा, जब तक तुम्हारे साथ है सब ठीक है। सॉरी बाबा, मैं आपकी बात भूल जाती हूँ, मतलब कि हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाँ ये बात सही है, तो हमारा अगला सवाल क्या है? तो बाबा अगला सवाल अजाज खान ने लिखा है कि 2.0 ने कितनी कमाई की है। कुछ याद आ रहा है हमें अपने हृदय की गहराइयों से। क्या बाबा? चल तलाशते हैं कोई ऐसा रिश्ता जहां उस रिश्ते में हवा भी बहे और दिए भी जलते रहे। बाबा मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ। अवश्य वाले के। ना किस्सों से ना रिश्तों से, ना किस्सों से ना रिश्तों से, जिंदगी बनती है कुछ रिश्तों से। अरे क्या बात है करिमा, लगता है बाबा का असर तुम्हारे ऊपर आ रहा है। बाबा आप ही की तो कृपा है। हमारी कृपा बनी रहेगी। वैसे एक बात है हमारे मन में, एक प्रश्न है तुम्हारे लिए। हाँ बाबा पूछिए। जिंदगी और उम्र में क्या फर्क है? अरे बाबा सिंपल सी तो बात है, अब जितनी मेरी उम्र हो चुकी है वो मेरी उम्र है, और हम जो ये अभी बातें कर रहे हैं ये जिंदगी है। अरे गरिमा सिंपल तो तुमने ऐसे कह दिया जैसे कि तुम्हारे गालों में कोई डिंपल हो। चलो कोई नहीं, बाबा ऐसे परिभाषित करते हैं, जो अपनों के बिना जी जाए उसे उम्र कहते हैं, और जो अपनों के साथ जी जाए उसे जिंदगी कहते हैं। वैसे तुम्हारा प्रश्न था 2.0 की कमाई, हमारे दर्शकों का। हाँ हाँ दर्शकों का। तो 850 करोड़ से ऊपर का बिजनेस किया फिल्म ने अभी तक। 850 कमा चुकी है। और अभी तो ये फिल्म चाइना में भी रिलीज होने जा रही है अभी तो, और ये रिकॉर्डों के स्तंभ गाड़ेगी धरती में। तो हमारे और दर्शकों के प्रश्न पेश किए जाएं। बाबा आज के सवाल तो यहीं पर समाप्त हुए,
अब दर्शकों से अलविदा कहने का वक्त आ गया है। वैसे दर्शकों से मैं जाते जाते आप लोगों से एक सवाल करना चाहूंगी। आप सभी ने शाहरुख खान की जीरो फिल्म तो जरूर देखी होगी। अनफॉर्चुनेटली वो फ्लॉप हुई है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, क्या आप लोगों ने नोटिस किया है? मतलब फिल्म में शाहरुख खान का बोना कैरेक्टर तो दिखाया गया है, लेकिन शाहरुख खान के हाथ ठीक उतने ही लंबे हैं जितना कि उनकी एक्चुअल हाइट है। जी हाँ, उनकी एक्चुअल हाइट के अकॉर्डिंग ही उनका हाथ लंबा दिखाया गया है। जी हाँ, तो अब आप मुझे बताइए कि अगर आपको इस फिल्म को बनाने का मौका दिया जाता तो आप इसको किस तरह से बनाते जो ये फ्लॉप नहीं बल्कि सुपर हिट साबित होती? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल की कोई भी वीडियो देखते हैं और उस वीडियो को देखते हुए आपके माइंड में कोई भी सवाल आता है तो आप वो भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब लेते हैं हम अलविदा, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में उसी एक्साइटमेंट के साथ। देखिए, अभी हमारे बालिका ने कहा कि जीरो एक फ्लॉप फिल्म है, ऐसा नहीं है। एसआर के लिए एक अच्छा एक्सपेरिमेंट किया था। फिल्म सफल नहीं हुई लेकिन विफल भी नहीं हुई। इंटरवल तक उसमें इतना मसाला था कि लोग खुश हुए, लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि एसआर के लिए एक अच्छा एक्सपेरिमेंट किया। तो उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं, लेकिन जो उन्होंने प्रश्न पूछा है उसमें वाकई कुछ पूछने वाली बात है, तो आप पूछ सकते हैं। और चलते चलते यही कहना चाहेंगे हम कि सी यू अगेन टुमारो सेम टाइम सेम प्लेस विद अ ग्रेट एंथुसियाज्म। कीप योर लिप्स स्माइलिंग। चाओ चाओ मींस जाओ।